कि कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 10 उम्मीदवारों की लिस्ट में कई नामों का फेरबदल हुआ है। हरीश रावत रामनगर की जगह अब लालकुआं से चुनाव लड़ेंगे। रामनगर से महेंद्र पाल सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है और रंजीत रावत सल्ट से और नरेंद्र नगर से ओम गोपाल को मौका दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत को बनाया गया है उम्मीदवार। कांग्रेस ने ये लिस्ट जारी की है, दूसरी लिस्ट जारी की है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की है। 10 उम्मीदवारों की लिस्ट में कई नामों में फेरबदल किए हैं कांग्रेस ने और इसके साथ ही हरीश रावत रामनगर की जगह अब लालकुआं से चुनाव लड़ेंगे। रामनगर से महेंद्र पाल सिंह को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने रंजीत रावत को सल्ट से और नरेंद्र नगर से ओम गोपाल को टिकट दिया है। हरिद्वार से ग्रामीण से अनुपमा रावत को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। बता दें कि कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की है जिसमें 10 उम्मीदवारों के नामों का खुलासा किया है कांग्रेस ने। हरीश रावत रामनगर की जगह है, लालकुआं से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल रामनगर से महेंद्र पाल सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है जिसके बाद हरीश रावत की सीट बदली गई है। रंजीत रावत सल्ट से और नरेंद्र नगर से ओम गोपाल को टिकट दिया गया है जबकि हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो कांग्रेस ने ये दूसरी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 10 प्रत्याशियों के नामों का खुलासा किया है। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज़, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।